Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आज के सेशन में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम. इस वीडियो में आप स्टडी करेंगे मोशन और उसकी टाइप्स के बारे में. हम इससे पहले कि मोशन की टाइप्स को डिस्कस करना शुरू करें, हम चाहेंगे कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर पाएँ. अगर हम एक पत्थर को देखते हैं तो पत्थर एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर अगर हम फोर्स प्लेस करते हैं तो उस फोर्स की वजह से उस पत्थर की शेप में कोई चेंजेस नहीं आते. इसके बरक्स अगर हम एक सिलेंडर में मौजूद गैस को पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो गैस कंप्रेस होती है और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. इन दो एग्ज़ाम्पल्स में एक बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है कि गैस के एग्ज़ाम्पल में हम ये देखते हैं कि अगर हम गैस को कंप्रेस करें तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. जो कि पत्थर पर अगर एक ख़ास हद तक फोर्स लगाई जाए तो पत्थर की शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यानी ये दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस पर ऑब्जेक्ट्स की शेप में इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेज में कोई तब्दीली नहीं आती पत्थर के केस में, जबकि गैस के केस में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेज कम हो जाते हैं और नतीजतन गैस कंप्रेस होती है. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें फोर्सेस के इन्फ्लुएंस के बावजूद इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेज मेंटेन रहें, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेज में कोई तब्दीली ना आए, उन्हें हम कहते हैं रिजिड बॉडी. जैसे कि यहाँ मैंने स्क्रीन पर डिफाइन होता नजर आ रहा होगा आपको, इफ़ अ बॉडी डज नॉट डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज दैट इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रिमेन्स द सेम डज नॉट चेंज इज कॉल्ड रिजिड बॉडी. और इस चैप्टर में हमने बात करनी डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज पर, लिहाजा इस चैप्टर में जहाँ जहाँ हम किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की तरफ रेफर कर रहे होंगे वी विल कंसिडर इट एज अ रिजिड बॉडी, एक ऐसी ऑब्जेक्ट, एक ऐसी बॉडी जिस पर इन फोर्सेज के बावजूद उसकी शेप में कोई चेंजेस ना आए. इस चैप्टर का बुनियादी ताल्लुक रिजिड बॉडीज़ की मोशन से है और यहाँ हम बात करेंगे स्पेसिफिकली स्पिन मोशन. लेकिन इससे पहले कि हम मोशन को डिस्कस करना शुरू करें, मैं चाहूँगा कि हम मोशन की क्लासेस या क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लें. हम अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएँ तो हमें ऑब्जेक्ट्स तीन तरह की बुनियादी तौर पर मोशन परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं. एक जिसको आप कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को इस तरह मूव होता हुआ देखते हैं कि एक ऑब्जर्वर जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ऑब्जर्वर के जो अपने एक्सिस हैं और जो मूविंग बॉडी के अपने एक्सिस हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करता हुआ देखें तो ऑब्जर्वर के एक्सिस और मूविंग बॉडी के एक्सिस मोशन के दौरान एक दूसरे के पैरेलल रहें तो ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का. जैसे कि इस वक्त आप एक कार स्ट्रेट रोड पर ट्रेवल करती हुई जा रही है, ये कार जब ट्रेवल कर रही है और अगर स्ट्रेट इस रोड के किनारे पर कोई शख्स खड़ा उस कार की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है तो उस ऑब्जर्वर के अपने एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हैं, जबकि कार की मोशन के लिहाज से उसके अपने एक्सिस ऑफ मोशन है. कार की मोशन के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जहाँ तक ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व कर पाए उस पॉइंट तक ये ऑब्जेक्ट, इनके एक्सिस जो हैं वो पैरेलल रहते हैं, लिहाजा ये कार की मोशन हमारे लिए ट्रांसलेटरी मोशन हुई. बिल्कुल ऐसे अगर किसी बॉल को अगर थ्रो किया जाए तो बॉल अगर उसके स्पिन मोशन को अवॉइड करके आप उसकी सिर्फ कर्व पाथ पर होने मोशन को फोकस करें तो ये मोशन ऐसी है जिसमें ऑब्जर्वर के एक्सिस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सिस और मूविंग ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सिस जो है वो पैरेलल रहते हैं. लिहाजा एक बॉल की मोशन भी, एक थ्रोन बॉल की मोशन भी हमारे लिए ट्रांसलेटरी मोशन कंसिडर होनी चाहिए. इसका मतलब ये हुआ इन दो एग्जांपल्स के बाद सामने आई कि स्ट्रेट रोड पर ट्रेवल करती हुई कार की मोशन और कर्व पाथ पर मूव करती हुई बॉल की मोशन दोनों ही हमारे लिए ट्रांसलेटरी मोशन है. ट्रांसलेटरी मोशन की एक ख़ास बात ये भी है कि जब इसमें एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल, हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हर पार्ट डिस्प्लेसमेंट सबके लिए सेम होगा. नेचर में जो दूसरी फोर्स, दूसरी तरह की मोशन हमें दिखाई देती है उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन. एक ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल, मूविंग ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव होता हुआ हमें ऑब्जर्व होता है.
जैसे ज़मीन जब सूरज के गिर्द घूम रही है या ज़मीन अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो इस मोशन के दौरान ज़मीन की जो मोशन है इस दौरान एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द अर्थ विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो इस मोशन को हम नाम देंगे रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक कहलाती है ऑर्बिटल मोशन और दूसरी कहलाती है हमारे लिए स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन में हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जब किसी जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो द ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड अ फिक्स लाइन। जैसे हम दरवाजे को खुलता हुआ देखते हैं तो दरवाज़ा अपने इंजेस के साथ जो गुजरने वाली लाइन है उसके अराउंड रोटेट करता है। इस रोटेशन का जिस लाइन के अबाउट होना है हम उसे नाम देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन की एग्जिस्टेंस के अतबार से हम रोटेटरी मोशन को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक कहलाती है ऑर्बिटल मोशन और दूसरे को हम नाम दे रहे हैं स्पिन मोशन का। अगर एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट कर रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन उस रोटेटिंग बॉडी के अंदर से पास हो रहा हो तो उसे हम नाम देते हैं स्पिन मोशन। लेकिन अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेटिंग बॉडी के बाहर है तो फिर उस मोशन को हम नाम देंगे ऑर्बिटल मोशन। अगर हम ज़मीन की मोशन को देखते हैं सन के अराउंड, तो फिर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सन के अंदर लाई करेगा, जबकि ज़मीन सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये मोशन ज़मीन की ऑर्बिटल मोशन है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी मोशन भी ऑर्बिटल मोशन है, इसलिए कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इलेक्ट्रॉन से बाहर है और वो न्यूक्लियस से पास हो रहा है। इसके बरक्स अगर हम ज़मीन को अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट होता हुआ देखें या किसी स्पिनिंग टॉप को, किसी घूमते हुए लट्टू को ऑब्जर्व करें, तो फिर वहाँ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उस रोटेटिंग बॉडी के अंदर से ही पास हो रहा है और ऐसी मोशन को हम नाम दे रहे हैं स्पिन मोशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया कि हम रिजिड बॉडीज़ को किस तरह क्लासीफाई करते हैं और स्पिन मोशन और रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन की क्या क्या डेफिनेशन रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में, जो कि स्पिन मोशन की वजह है, और हमारा इस चैप्टर में फोकस रहेगा स्पिन मोशन के बारे में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।